Talking about many faces of ethical codes. Ethical codes for mental health professionals promote acting in the best interest of consumers, serve like maintaining and practicing within the bounds of one's competence, striving to ensure that no harm come to those with whom they work. So, basically, when we talk about different ethical codes in general, we have to ensure that कि हमारी प्रैक्टिस या हमारी थेरेपी में वो इंश्योर हो सकें लाइक like, पहली बात तो ये कि हम अपनी अपनी कंपिटेंस के जो हमारी बाउंड्रीज हैं उसके विद इन काम करें सेकेंडली ये कि कोई भी ऐसा एक्ट ना किया जाए जिसकी वजह से दूसरे लोगों को कोई हार्म पहुंच सके देन प्रोटेक्टिंग कॉन्फिडेंशलिटी एंड प्राइवेसी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर्स वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट ऑल दिज एथिकल कोर्स नाउ ऑलमोस्ट वी आर कंक्लूडिंग टूवर्ड्स the compilation of those those codes after talking about all the professional settings in which these ethical codes can be applied then acting responsibility this is also very important that one should be very responsible to act then avoid exploitation kisi bhi mamle ko uchhalna usko kharab karna usko refrain important then upholding the integrity of the professional as a psychologist through exemplary conduct hame as a psychologist, as a professional अपने इस प्रोफेशन को अपराइड अपहोल्ड करना बहुत ज़रूरी है और इसकी एक डिग्निटी को सस्टेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिसाइड सर्विंग एज अ प्लेज टू द पब्लिक एथिक कोड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अटेम्प्ट टू टेक और मेनी अदर फंक्शंस पर टू मेनी बेसिकली ये इतना लिमिट नहीं करती ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें सोसाइटी और पब्लिक में अपने फेस को पॉजिटिव रखने में हेल्प करती हैं एट वंस एथिक कोड्स अगर मैं समराइज़ करूँ तो क्या होंगे डॉकूमेंट लीडिंग टू द इनहसमेंट ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द प्रोफेशन जब हम एथिकल कोर्स को फुली अप्लाई करते हैं तो वो बेसिकली हमारा रिलेशनशिप कम्युनिटी के साथ स्ट्रेंथन करती हैं और लोग हम पर ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं क्योंकि उनके पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद होता है जो उनके राइट्स की उनकी प्राइवेसी की उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है इंक्लूडिंग क्रिटिकल मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और वो एथिकल कोड्स जो हैं वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं उसको भी क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे होते हैं स्पेल आउट विच प्रिंसिपल्स मॉरली रिस्पॉन्सिबल मेम्बर्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो फिर हमारे जो ये एथिक uh, कोड्स हैं इसकी बेसिस में हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें हमने फॉलो करनी है और कौन सी हमने नहीं करनी टू क्लेरिफाई द प्रॉपर यूज़ एंड मिस यूज़ ऑफ़ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़ जैसे हम अप्रोप्रिएट रेफरल्स की बात करते हैं हम ये बात करते हैं कि अपनी डोमेन में प्रैक्टिस किया जाए तो हर एक इंडिविजुअल जो है वो उसको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी देते हैं और उसको एक वे आउट टू एग्जिट भी बताते हैं देन एथिकल कोर्ट्स प्रोवाइड जनरल गाइड्स टू डिसीजन मेकिंग ये हमें बहुत अच्छी तरह हेल्प करते हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग की स्ट्रेटजीज को कैसे फॉलो करना है कहाँ पे हमें रेड फ्लैग्स नज़र आते हैं उनको देखना जरूरी है एंड थिंग्स लाइक दैट देन असिस्ट इन एजुकेटिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोफेशनल इसके साथ साथ ये हमें टीचिंग के कोर्ड भी सिखाते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हमने किस तरीके के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र करनी है दैन डिफाइन द रूल्स फॉर जजिंग दोज होज एक्शन कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय द एथिक्स कमेटी एंड अदर रेगुलेरेटी एजेंसीज फिर हमने वो रूल्स पता चलते हैं कि किन बेसिस के ऊपर हम लोगों को जज कर सकते हैं कि उन्होंने कोई एथिकल जो है वो डायलेमा उनसे हो गया है या कोई एथिकल अनएथिकल प्रैक्टिस उनसे हो गई है क्योंकि जब तक ये एथिक के कोर्ड्स अवेलेबल नहीं होंगे हमारे लिए जज करना बहुत मुश्किल होगा एक यूनिवर्सल एक्ट को देखते हुए कि क्या ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव हुई है या नेगेटिव हुई है इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं और कैसे हम इसको अनएथिकल क्लेम कर सकते हैं देन सर्व एज अ टूल फॉर लाइसेंस बॉर्डर्स सिविल एंड अदर फॉर्मल टू री एड्रेस साइड एंड सेंशनिंग एंड डिफेंडिंग एलिगेशन ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर ये एथिकल कोड्स ना हों तो ये डिसाइड करना कि किस सिचुएशन में कोई चीज़ जो है वो कैसे कमिट हुई है ये इम्पॉसिबल हो जाएगा सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच हैज़ बीन मेड ओवर द सेवरल यर्स प्रैक्टिस ओवर लुकिंग इन टू मल्टीपल केस स्टडीज और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद इन कोर्स को बनाया गया है और उनको एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है गिव कंज्यूमर्स एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन शुड लाइसेंस बॉर्डर्स अनएबल टू कंसिडर अ कंप्लेंट इसी तरह अगर हम लोग कंज्यूमर या प्रोफेशनल साइकोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पर भी ये कोड ऑफ एथिक्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि एक कंज्यूमर अगर कोई फाइल सूट करता है और वो कहता है कोई कंप्लेन सूट करता है और वो कहता है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है या मुझे कंपनी ने आ, ये मेरे साथ कमिटमेंट्स की थी और मुझे ये डिलीवर किया है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी यही कोड ऑफ एथिक्स जो है वो उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं कंपनी को भी और क्लाइंट को भी सो टॉकिंग इन जनरल दे आर द मेनी फेसेस ऑफ एथिकल कोड्स एंड वाई लुकिंग इन टू इट दे आर जनरली प्रोमोटिंग द पीस एंड टॉलरेंस इन द सोसाइटी And at the end of practice of all those ethical codes, we see that society is left with a justice and society with left with an integrity.